फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई। हमारी कंपनी में साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लगभग 200 डबल साइडेड पीसीबी यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंटल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करने के लिए भी रखा है। इसमें से हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो आज मैं बताने वाली हूँ। ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है, ये समझने के लिए बहुत आसान है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा अगला नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए फी शेप्ड ऑसिलेटर का डेमो हम देखते हैं। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ऑटो लेक्चर बेलची एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेजसाठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशनसाठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255। ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम है और ये CE कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है। तो यहाँ हमने इनपुट साइड में कपलिंग कैपेसिटर C1 कनेक्ट किया है और आउटपुट साइड में हमने C2 कपलिंग कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट किया है और इसका जो आउटपुट है वो हमने DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट किया है। उसका CE एम्पलीफायर सर्किट का जो आउटपुट है वो यहाँ फीडबैक सर्किट के लिए यहाँ इनपुट जाता है और यहाँ फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है वो सी एम्पलीफायर सर्किट को यहाँ इनपुट जाता है। तो यहाँ हमने +9 वोल्ट दिया है। तो यहाँ सी एम्पलीफायर का जो सर्किट है उसका गेन A अलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है और यहाँ फीडबैक सर्किट है उसका जो गेन है वो B अलवेज लेस देन 1 रहता है। तो यहाँ CE एम्पलीफायर सर्किट में CE एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस 180 फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट 180 रहता है और यहाँ फीडबैक सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट यहाँ 180 रहता है। तो यहाँ एम्पलीफायर ऑसिलेटर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए यहाँ 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, आउटपुट ऑफ द फीडबैक वोल्टेज Vf इन फेज विद द ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। और कंडीशन सेकेंड, दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन बारका हुसैन क्राइटेरिया। तो कंडीशन सेकेंड, A.B इज इक्वल टू 1 इफ यहाँ 2 कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गया तो ये देन सर्किट प्रोड्यूसेस साइन वेव आउटपुट विच डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द DSO। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/2πRC √C। तो यहाँ R की वैल्यू है 2.2K और C की वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेराड। तो इसका कैलकुलेशन निकाला तो कितना आता है 295 हर्ट्स। तो हम अभी प्रैक्टिकल करके हमारी फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल आती है कि नहीं वो हम देखेंगे। ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का एक्सपेरिमेंट सेटअप है। यहाँ हमने +12 वोल्ट रेगुलेटर DC एडाप्टर यहाँ हमने कनेक्ट किया है। यहाँ 9 वोल्ट का जीनर डायोड है तो यहाँ 9 वोल्ट पूरे यहाँ सर्किट में जाता है। यह NPN ट्रांजिस्टर है और ये 4 रजिस्टर है। तो ये 4 रजिस्टर हमने NPN ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए यहाँ कनेक्ट किए हैं। ये इनपुट साइड में C1 कपलिंग कैपेसिटर है और आउटपुट में C2 कपलिंग कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है। तो इन दोनों का फेज इनपुट और आउटपुट, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 180 रहता है। ये कॉमन इमिटर CE एम्पलीफायर का सर्किट है विच इज़ हैविंग गेन A और ये उस और इस और CE एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो हमने फीडबैक सर्किट के लिए यहाँ इनपुट जाता है। तो ये 3 रजिस्टर है और ये 3 कैपेसिटर है और ये फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है
वो वेरिएबल रेजिस्टेंस थ्रू हमने यहाँ सी एम्पलीफायर को यहाँ इनपुट दिया है, तो यहाँ फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है वो और सी एम्पलीफायर का जो इनपुट है इन दोनों का फेज डिफरेंस 360 रहता है, मतलब जीरो रहता है। तो यहाँ हमने यहाँ डीसी वोल्टेज दिया, तो देखो डीएसओ पे क्या सिग्नल आता है। देखो यह हमें आउटपुट में साइन वेव मिली है और फ्रीक्वेंसी यहाँ 267 हर्ट्ज आई है। तो हमने देखा प्रैक्टिकल थेरोटिकली फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, 295 हर्ट्ज आई थी। तो यहाँ हमारी कितनी आई है, 267 हर्ट्ज आई है। तो यहाँ हमारी नियरली इक्वल आई है। तो ये है हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का एक्सपेरिमेंट।